शांति पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। तो इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय लालजी टंडन को नमन किया। कालीचरण महाविद्यालय और ये कैंपस अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा कि स्वर्गीय लालजी टंडन जी ने यहां के भवनों को जिस रूप में बनाया है वास्तव में दर्शनीय है। और ये इसलिए भी क्योंकि आजादी के आंदोलन का साक्षी रहा है ये कैंपस, उन चीजों को देखा है इन्होंने। याद करिए 1905 में बंग भंग के खिलाफ चढ़ा आंदोलन, तब नींव पड़ती है कालीचरण संस्थान की, विद्यालय की। आज इस स्मृति को यहां पर ताजा किया है स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन ने, टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा को स्थापित करके। कौन ऐसा व्यक्ति होगा लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का, जो टंडन जी की इस स्मृति को जिसके साथ में जुड़ी हुई हो। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक मदद दी। पाठक ने सीएम योगी को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,51,000 का चेक सौंपा, साथ ही अपने ट्विटर अकाउंट में फोटो भी शेयर की। तो अब आपको ट्वीट भी हम दिखाते हैं, तस्वीर आपने देखी। प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली और जन जन के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्धता से कार्यरत उत्तर प्रदेश सरकार को एक छोटा सा सहयोग प्रदान करने की में आज यशस्वी मुख्यमंत्री श्री @ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री राहत कोष में